में क्या क्या मुद्दों पर बातचीत हुई है? आज का ये सम्मेलन धर्म संसद संस्था के द्वारा आयोजित था और इसमें जो आज के मुद्दे रहे हैं, भारत एक सनातन हिंदू संस्कृति का देश है, भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए, हिंदू के हितों का यहाँ रक्षण होना चाहिए, हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के नाम से जो एक राजनीति होती है, अल्पसंख्यक यहाँ से समाप्त होना चाहिए। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ समान नागरिक, समान कानून, समान अधिकार, समान कर्तव्य होने चाहिए। यही सब बहुत सारे मुद्दे थे जो यहाँ पर आज उठाए गए हैं। देखिए, दुनिया में लगभग सभी देश किसी ना किसी धर्म के अनुयायी हैं, उनका राष्ट्रीय धर्म है। हमारा यह देश सनातन से हिंदू देश है और हमारी यही मांग है कि धर्म निरपेक्षता यहाँ समाप्त होनी चाहिए। देश की शासन व्यवस्था धर्म सापेक्ष होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ अधर्म होता है, जहाँ उजाला नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है। इसलिए धर्म निरपेक्ष ये समाप्त हो और जो विश्व की सबसे महान संस्कृति है, सबको स्वीकार करने वाली संस्कृति है, उस हिंदू संस्कृति के अनुसार इस देश की व्यवस्था हो। हिंदू राष्ट्र जब तक ये देश नहीं बनेगा तब तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा।